इस वक्त की बड़ी खबर पाकुड़ से आ रही है। जैप 9 के प्रशिक्षु आरक्षी की नदी में डूबकर मौत हो गई। नदी में नहाने के दौरान जितेंद्र लोहरा की मौत हुई है। महेशपुर की गड़बाड़ी के बासलुई नदी में नहाने के दौरान ये घटना घटी है। जैप 9 साहिबगंज में प्रशिक्षु आरक्षी के रूप में पदस्थापित था। पाकुड़ में दुर्गा पूजा में ड्यूटी में तैनात था। तो इस वक्त की बड़ी खबर पाकुड़ से, पाकुड़ में दुर्गा पूजा में ड्यूटी में तैनात जैप 9 के प्रशिक्षु आरक्षी की नदी में डूबकर मौत हो गई है। नदी में नहाने के दौरान जितेंद्र लोहरा की मौत हुई है। महेशपुर के गड़बाड़ी के बासलोई नदी में नहाने के दौरान यह घटना घटी। तो जैप 9 के जितेंद्र की नदी में नहाने के दौरान डूबकर मौत हो गई है। जैप 9 के प्रशिक्षु आरक्षी की नदी में डूबकर मौत हुई है। नदी में नहाने के दौरान मौत हुई है। प्रशिक्षु आरक्षी की नदी में डूबकर मौत हुई है। ये तस्वीर बासलोई नदी में नहाने के दौरान ये घटना घटी है। बताया जा रहा है कि दुर्गा पूजा को लेकर वहां पर तैनात किया गया था ड्यूटी में, और प्रशिक्षु आरक्षी की नदी में डूबकर मौत हो गई है। जिला बल से जो जैप 9 में ट्रेनिंग के लिए आए गए हुए कुछ लोग हमारे यहाँ पे आया था, उसमें आज सुबह 4 लड़का लोग नहाने के लिए महेशपुर थाना में बासलोई नदी है वहाँ नहाने के लिए गया। उसमें कुछ जगह पर गड्ढा था, इन लोगों को पता नहीं था, उसके कारण 2 आदमी फिसल के डूबना शुरू हुआ। दो लड़का लोग इनके साथ में था, उसमें से एक आदमी को निकाल पाया टाइमली, तो उसका जान बच गया। ये नदी में डूब गया था और लोकल वहाँ का जितना आदमी है वो लोग सब पुलिस को मदद किया इनको रेस्क्यू करने के लिए। और लेकिन जब बॉडी हमारा हाथ में मिल गया तो थोड़ा टाइम हो गया था, तो जैसे फिर हम इसको हॉस्पिटल ले आया तो हॉस्पिटल में इसको मृत घोषित किया गया। सर पुलिस को उसकी सूचना लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।